दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को अरेस्ट कर लिया है। डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम को यह कामयाबी मिली है। मौके से बड़ी मात्रा में आईडी भी बरामद हुआ है। पकड़े गए 15 नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 15 नक्सली पकड़े गए हैं, इसमें 7 महिला नक्सली भी शामिल है। बड़ी मात्रा में आईडी मिला है। डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग के दौरान दिनांक 26 को 4:30 बजे डीआरजी टीम को देखकर पूर्व से घात लगाए व जान से मारने की नियत से तथा हथियार लूटने की नियत से नक्सलियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया और जंगल की ओर भागने लगे, जिस पर डीआरजी व बस्तर फाइटर द्वारा घेराबंदी कर कुल 15 माओवादी सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। उक्त माओवादियों के कब्जे से डेटोनेटर, आईडी, जिलेटिन साहित, नक्सली साहित एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामान। निवाड़ी में पुलिस आरक्षक का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पृथ्वीपुर थाने में पदस्थ आरक्षक ने चेकिंग के दौरान पकड़ी गई बाइक को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी। अब वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। चालान नहीं दे रहे हैं। चालान आप बना एक पर्ची देंगे, चाबी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ। 300 वाला वहीं सीएम के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस पर एक्शन शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेज को बंद किया गया। इंदौर के साथ ही कई जिलों में कार्रवाई हो चुकी है। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को लिस्ट दी है, कहा है हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आदेश से नर्सिंग कॉलेजेस के छात्रों पर असर नहीं पड़ेगा। वही गरियाबंद में हिरण का शिकार करते हुए तेंदुआ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का यह वीडियो है। वन विभाग के लगाए ट्रैप कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। आसपास के गांवों में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से जंगल में नहीं जाने की अपील की है। उज्जैन में शिप्रा नदी में कूदकर युवक ने जान दे दी। आत्महत्या से पहले युवक ने पत्नी को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी और हाटकेश्वर रोड के पुल से नदी में छलांग लगा दी। आत्महत्या करने वाला युवक तिरुपति प्लैटिनम कॉलोनी का रहने वाला था। उसने बकायदा पहले पत्नी को संदेश भेजा और उसके बाद पुल से छलांग लगा दी। इंदौर में डिजिटल हाउस अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। 3 महीने के अंदर यह तीसरा बड़ा मामला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है लड़की, वो डिजिटल हाउस अरेस्ट हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी बनकर साइबर फ्रॉड लड़की के साथ किया गया। 3 घंटे तक उसे डिजिटली अरेस्ट रखा गया। पासपोर्ट को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा बताकर फ्रॉड किया गया। आरोपियों ने FD वाले पैसे लड़की से ट्रांसफर करवा दिए। तो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों ने लड़की से कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। तुम्हारे घर का पता, सारी डिटेल हमारे पास है, जांच में सहयोग करो। उसके पास फोन आया और ये बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत यूज हुए हैं। जो फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं और आपका जो कस्टम में आपके रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और सीबीआई से बात कराई। सीबीआई बनकर, क्राइम ब्रांच बनकर
और कस्टम ऑफिसर बनकर इसको लगातार थ्रेट दिया गया और ये बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज हुए हैं आतंकवादी गतिविधियों में यूज हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में और आपने अगर इसको कहीं भी शेयर किया तो इसके अगर आपने कहीं भी शेयर किया तो आपके पिता को माता पिता को जान से खत्म कर दिया जाएगा। मैंने बताया कि कोई भी एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती, नंबर वन, कोई भी एजेंसी डायरेक्ट आपसे ये बोले कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है तो आप ये मान के चलिए कि और सीधे आप वीडियो कॉल पे आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है, ऑनलाइन पैसा मांगता है फोन करके अपरिचित कोई भी एजेंसी वाला बनकर, चाहे सीबीआई या क्राइम ब्रांच, तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर अननोन व्यक्ति के साथ या सोशल मीडिया पर करते हैं उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है अगर आपके पास कोई इस तरह के कॉल्स आते हैं आप तत्काल अपने जो परिजन से और अपने साथ के जो किसी भी व्यक्ति से शेयर जरूर करें। लोग घबरा जाते हैं और उसको शेयर नहीं करते हैं और इतनी जल्दी से उसको ट्रैप किया जाता है, उनको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। पेशेंस रखें, चीजों को समझें, सुने, उसके बाद उसको शेयर करें, फिर आगे बढ़ें। अगली खबर बालाघाट से है जहां बाघ की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। खाल बेचने की फिराक में ये आरोपी घूम रहे थे। नवे गांव से गोंदिया जा रहे थे तीनों आरोपी। नवे गांव ग्रामीण पुलिस ने गोंगले चौक पर पकड़ा है। करंट लगाकर इन्होंने बाघ का शिकार किया था। नर्मदापुरम में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। सोमवार को न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे इटारसी रेलवे स्टेशन पर वेंडर डिस्पोजेबल पैकेट को धोकर उसका दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन जागा और इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के खानपान स्टॉल को सील कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने का यह असर, खानपान स्टॉल को सील कर दिया गया है। यहीं के एक कर्मचारी को डिस्पोजेबल पैकेट्स को धोते हुए दिखाया गया था ताकि दोबारा वो पैकेट इस्तेमाल में लाए जा सके। देखिए दो तस्वीरें, एक आज खबर के असर की और खबर जो हमने दिखाई थी कि किस तरह ये कर्मचारी इन डब्बों को वापस धो रहा है ताकि इनमें वापस से खाना पैक करके उसकी बिक्री की जा सके। वहीं शिवपुरी में भी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। शिवपुरी के मणिखेड़ा में पानी की पाइपलाइन लंबे वक्त से खराब पड़ी हुई थी और मेला दुकानदारों ने बोर पर अतिक्रमण कर लिया था जिसकी वजह से स्थानीय लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे थे। न्यूज 18 ने यहां पानी की किल्लत को लेकर प्रमुखता के साथ खबर दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा और बोर को मेला दुकानदारों के कब्जे से मुक्त कराया। मणिखेड़ा की इस पाइपलाइन को ठीक किया जा रहा है जिसके बाद स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद किया है। बाद में टीम आई है, टीम आज दुरुस्त कर देगी इस लाइन को। आज हो जाएगी जी? जी सर, आज हो जाएगी। तो अब यहाँ की बस्ती को पानी मिलने लगेगा? जी सर, मिलने लगेगा जब इनका टर्न होगा इस तरफ का, उस दिन इनको पानी मिल जाएगा। सर बहुत ही परेशान थे पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे। कल हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और इस इनके लिए न्यूज 18 की टीम आई थी सर, तो हमने उनसे बताया सर, हमने खबर चलाई है तो सर ये आज काम स्टार्ट हुआ है, जल्द से जल्द बता रहे हैं पानी आ जाएगा आज घरों। सर न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विदिशा में भी न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। घूसखोर एएसआई शिव प्रसाद को हटा दिया गया है। एएसआई शिव प्रसाद विश्वकर्मा ने घूस ली थी, दो सगे भाइयों के झगड़े में पिता से घूस ली थी 2000 की रिश्वत लेते हुए। ये वीडियो एएसआई का वायरल हुआ था। भाइयों के झगड़े में पिता से 1,00,000 रुपए की मांग एएसआई शिव प्रसाद विश्वकर्मा ने की थी। गंज बासादा के उदयपुर सहायता केंद्र के प्रभारी थे एएसआई शिव प्रसाद विश्वकर्मा। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया और खबर का असर हुआ है, हटा दिया गया है एएसआई शिव प्रसाद विश्वकर्मा को।
इंदौर में 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप एक व्यापारी ने लगाया है बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर। व्यापारी ने 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, कहा है कि प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। व्यापारी ने पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शिकायत की है, सीएम और पुलिस कमिश्नर से भी मामले में शिकायत की गई है।